सो फ्रेंड्स, अगेन हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। आप अपने पास जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, सबसे पहले आपको वहां पर इंटरनेट ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करते ही आपके पास ऑप्शन आता है सर्च और टाइप वेब एड्रेस का। यहां पर आपको टाइप करना है अपडेट मोबाइल नंबर इन राशन कार्ड। एंटर करेंगे। एंटर करते ही यहां पर सबसे पहली वेबसाइट आपके पास आती है https://nfs.delhi.government.in। आपको इस वाले लिंक पर क्लिक करके इसको ओपन करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाती है। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा। ऑन द टॉप आपके पास एक हेडिंग आती है अपडेट योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। नीचे अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करने के लिए आपके पास कुछ फील्ड आती हैं जो आपको यहां पर फिल करनी है। आधार नंबर ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड, सो आपके घर का जो भी मुखिया है उसका आधार नंबर सबसे पहले आपको यहां पर टाइप करना है। नीचे आपके पास ऑप्शन आता है राशन कार्ड नंबर का। यहां पर आपको आपका जो राशन कार्ड नंबर है वो टाइप करना है। थर्ड ऑप्शन यहां पर आपके पास आता है नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। सो आपके घर का जो मुखिया है जिसका नाम राशन कार्ड में मेंशन है वो आपको यहां पर एंटर करना है। लास्ट ऑप्शन यहां पर आता है न्यू मोबाइल नंबर का। सो जो भी न्यू मोबाइल नंबर आप अपने राशन कार्ड के साथ अपडेट करना चाहते हैं या रजिस्टर करना चाहते हैं वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये सारी डिटेल फिल अप करने के बाद आपको अपनी जो डिटेल है उनको वेरीफाई करना है और उसके बाद क्लिक करना है सेव पर। सेव पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका न्यू मोबाइल नंबर राशन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड हो जाएगा। हमारा मोबाइल नंबर यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, सो हमारे पास नीचे मैसेज आ चुका है दिस मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विथ योर राशन कार्ड। सो कुछ इस तरह से बड़ी ही आसानी से आप अपना न्यू मोबाइल नंबर अपने राशन कार्ड के साथ ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।